अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने मिलकर कोई गुपकार अलायंस बनाया है। इस गुपकार अलायंस का गुपकार एजेंडे का जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। यह गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। यह गुपकार एजेंडा एंटी नेशनल फोर्सेस का एजेंडा है। इसे जम्मू कश्मीर की जनता किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। देश दुश्मन ताकतों के हाथों की कठपुतली बने जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता कभी चीन के समर्थन की बात करते हैं और कभी पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर झेला है, जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया है। कयामत की सुबह तक अब ये धारा 370 वापस नहीं आ सकती। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो चाहे गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों, गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के, पश्चिम पाकिस्तान के से आए हुए विस्थापित हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में करगिल के या लद्दाख के लोग हों, कश्मीर घाटी के अंदर राष्ट्रवादी लोग हों, उनके साथ इस धारा 370 ने पिछले 70 सालों में बहुत अत्याचार किए, नाइंसाफियां हुई, कत्ल हुए, बेगुनाह लोगों के परिवारों के परिवार इस धारा 370 ने यहां बर्बाद किए। इसलिए इस धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया और जब से यह धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, तब से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अंदर आम जनमानस जश्न में और खुशी में झूमा।